बना रही हूँ बाजरा के आटे के लड्डू। इसमें मखाने, बड़ी बाउल मखाने, छोटी बाउल गोंद, एक छोटी बाउल कद्दूकस किया हुआ नारियल, तिल साबित जो छिलकेदार हैं इनको भून लेना है, और ड्राई फ्रूट, ये अलसी, ये बाजरे का आटा 500 ग्राम। और ये गोंद मिक्सी में पीस लेंगे तब डालेंगे आटे। ये डाल रही हूँ, कढ़ाई में अगर 500 ग्राम आटा है तो 200 ग्राम घी ले लेंगे। अब इसमें आटा डाल देंगे, दस से 15 मिनट तक चलाते रहेंगे कढ़ाई में, तब ये भुन जाएगा। बाजरे के आटे के लड्डू हमारी सेहत के लिए बहुत लाभदायक हैं, इनको सर्दियों में जरूर बना के खाना चाहिए। पंद्रह मिनट तक ऐसे ही चलाते रहना है, फिर हमारा ये आटा भुन के तैयार हो जाएगा। फिर इसमें गुड़ की चाशनी बना के तब तेल, तब लड्डू बनते हैं। आटा भुन चुका है 15 मिनट के बाद, तो मैं इसमें निकाल लेती हूँ। कलर चेंज हो गया आटे का, इसका ब्राउन लाल हो गया। फिर कढ़ाई को रखती हूँ। फिर जैसे हमारा 500 ग्राम आटा है तो 300 ग्राम गुड़ लेना है, इसको कढ़ाई में डाल देती हूँ। और इसमें 2 चम्मच पानी डालना है बस। अब ये धीरे धीरे मेल्ट हो जाएगा, चाशनी बन जाएगी, बन के तैयार हो गई। गुड़ की चाशनी बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट के अंदर बन जाती है। ये मैंने गोंद पीस के रखा था, इसमें डाल लेती हूँ। ये मैंने अलसी पीस के रखी थी, इसमें डाल लेती हूँ। ये मेरा ड्राई फ्रूट है, ये कद्दूकस किया हुआ नारियल, ये तेल है साबित जो छिलके वाले बाजार में भी मिलते हैं, छिलके वाले और धुले हुए भी मिलते हैं, लेकिन मैं इसमें छिलके भून के तेल इस्तेमाल कर रही हूँ। साबुत तेल डालना है, तेल और गुड़ का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है इन दिनों में, तेल और गुड़ जरूर खाना चाहिए। अब इसमें मैं आटा मिक्स कर लूँगी, धीरे धीरे करके मिलाते हैं। मिश्रण तैयार हो गया, इस तरह से लड्डू बना के रख सकते हैं, और ये जल्दी खराब भी नहीं होते, 15-20 दिन तक आराम से चलते हैं। ऐसे बनते हैं लड्डू। मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, इस तरह से लड्डू बना के खाना ज़रूर। मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।